हेलो दोस्तों, मैं बिसन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों बेंगलोर रेस की। और 17 जून की रेस है। पहली रेस 1:30 में है, आखिरी रेस 4:30 में। टोटल 7 रेस हैं दोस्तों। और उससे पहले यार हम एक बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिसे कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है, दम होता है, ये ऐसा मेरा मानना है और आप लोगों का ही मानना होगा। तो यार उसी बात पे, मतलब एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सभी को पता है यार, गुजरात में जो बिपरजॉय एक आपदा चल रही है, सुनामी कह लीजिए या बवंडर या जो भी है, पानी बारिश कंटिन्यू बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यार हम लोग दुआ कर सकते हैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए, और उस हिस्से के लिए, अपने भारत के लिए, कि भाई कोई ज्यादा हताहत ना हो, ना कोई गंभीर समस्या हो कुछ ऐसी कि जो आगे जाके दिक्कत दे, और जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित रहें। और जो लोग यार मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं उन लोगों के लिए यार दुआ करूंगा दोस्तों, आप लोग सुरक्षित रहें। और सब लोग, अगर हम लोग यार ऊपर वाले से दुआ करेंगे तो जरूर दुआओं में बहुत असर होता है, तो फर्क पड़ेगा दोस्तों। कुछ वीडियोस देखते हैं हम भी तो लगता है यार बड़ा अजीब सा। तो खैर ये संकट जल्दी टले यार। और इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों बेंगलोर की बात कर लेते हैं यार, क्योंकि कुछ लोगों के दिनचर्या वैसे ही चलते रहेंगे जैसे मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, कुछ लोग अलग-अलग राज्यों में बैठे हुए हैं। सब सुरक्षित रहें यही मेरा मानना है यार। और आ जाते हैं बेंगलोर, पहली रेस में 1200 मीटर की रेस है क्लास 4 की। यहाँ पे मैं टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में लेके चलूंगा। 1 नंबर बेलवेडर, लास्ट टाइम थोड़ा सा जिसे कहते हैं चुक गया यार। पिकअप तो अच्छा था और अक्षय कुमार, ज्यादातर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पीछे से घोड़े बहुत बढ़िया आते हैं अक्षय कुमार के नीचे। और उम्मीद करते हैं इस बारी यार, मतलब वो नेक की जो बिडिंग थी इस बारी क्लियर जीते घोड़ा। और अगर 2 नंबर को देखें तो 2 नंबर ने ही बीट किया था द गोल्डन ड्रीम, यहाँ पे खुर्शद आलम से एम नवीन बैठा दिया। जॉकी कहीं ना कहीं पे यार बेटर हो रहा है, और शरद कुमार जी के घोड़े एम नवीन ने बहुत चलाए हैं, और 56 किलो का खुद है एम नवीन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यार थोड़ा सा बेनिफिट ही दिख रहा है 2 नंबर पे। और 2 नंबर ने बीट किया था तो दोबारा बिल्कुल चांस बनता है। 3 नंबर है ब्रिज ब्लसर, आप यहाँ पे सरप्राइज कंसिडर कर सकते हैं। 4 नंबर चिंकी पिंकी, 1400 मीटर का रन था, 1200 अपसेट किया था एक टाइम पे बॉल लॉन्गर ओवर में, तो यहाँ पे टी एच जोधा के नीचे 1200 में। 5 नंबर दोस्तों सी एन बी बीबी ऑफ कर रहे हैं, सी एन बी ऑन कर रहे हैं और बीबी ऑफ कर रहे हैं, अपसेट कर सकता है। 6 नंबर सेक्रेट क्रिएटर, ये तीसरा घोड़ा इस रेस में समझ आ रहा है, लास्ट टाइम पेवरटी के साथ में गुड सेकेंड लगा और अच्छा रन था 1200 मीटर में यार, ये कह सकते हैं कि दोबारा फॉर्म देखने को मिली घोड़े की। और 7 नंबर आइस स्टॉर्म, लास्ट रन अच्छा था, काफी फ्रंट निकल के ठीक, बट लास्ट टाइम पे रह गया, तौसिफ खान विप थी नहीं और एम राजेश बैठ गया यहाँ पे, ये घोड़ा ही बनता है यार। नारायण गौड़ा जी के दोनों घोड़े हैं 6 और 7 नंबर। और यहाँ पे मैं सिलेक्शन, लास्ट जो रेस हुई है जिस तरीके से फाइट कह लीजिए, 1 नंबर बेलवेडर ही पिक लेके चलूंगा अक्षय कुमार, और 2 नंबर गोल्डन द गोल्डन ड्रीम एम नवीन, ठीक है। सेकंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड रेस 1-2 की रेस है, और ऐसी रेस है यार काफी टाइम बाद देखने को मिल रही है, ऐसी रेस ठीक भी लगती है। 2000 मीटर की रेस है क्लास 4 की, ओरिजिनल सिन जैस पिंक जैस्मिन के साथ में। पिंक जैस्मिन ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ा अपसेट करके गया था उस दिन, क्लोज ही फोर्थ है। एन एस परमार बैठा हुआ था, मल्टी डायमेंशनल की ब्रीड है कहीं ना कहीं पे यार, पेडिग्री वाइज आप देख सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस में क्लास डाउन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं 60 किलोमीटर ट्रैवल के नीचे एक बेटर रन दे। डिटेक्टिव भी अपसेट आप देख सकते हैं 1-2 के। 3 नंबर रूलिंग डेनेस्टी, बुक के हिसाब से डे बेस्ट भी दे रहे हैं, और बिल्कुल घोड़ा द गॉडफादर के साथ में गुड थर्ड लगा था, जीतना चाहिए घोड़े ने इस बारी। 3 नंबर क्राउन विटनेस भी ब्लैंकेट टी एस सी एन बी ऑन कर रहे हैं, तो सरप्राइज कर सकता है, 4 ही तो घोड़े हैं यार। बाकी जो रेस है वो 3 नंबर रूलिंग डेनेस्टी अक्षय कुमार, और 1 नंबर ओरिजिनल सिन पीट ट्रेवर,
थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1400 मीटर की रेस है क्लास 5 की, एक नंबर ईस्टर्न सी। पेडिग्री वाइज यार घोड़ा बढ़िया है ये, और 62.5 किलो में जे एच अरुल के नीचे भागा था लास्ट टाइम, नहीं इस बार ही जा रहा है, और पिछली बार सीरियस सिंह बैठा हुआ था, और लास्ट टर्न इतना बेकार भी नहीं है। और इस बार ही अगर देखा जाए तो जे एच अरुल आज मैसूर में सस्पेंड कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट की मिलोस की वजह से, और ठीक है अच्छा डिसीजन था, एक ऐसा होना चाहिए, और लोगों के साथ भी जो जो मतलब सभी के साथ होता रहना चाहिए ये, और लंबे टाइम के लिए सस्पेंड होते रहेंगे तो ठीक रहेगा यार। सबक ऐसे ही मिलता है, जब तक चालान ना कटे तो आदमी हेलमेट नहीं पहनता कहते हैं ना, वरना हर आदमी चाहता है कि बाइक में यार बिना हेलमेट के चलें, तो इसलिए चालान कटने जरूरी हैं, इसी तरीके से इनका सस्पेंड होना भी जरूरी है, ताकि और सिंसियरिटी के साथ या और अच्छे से समझ के राइडिंग करें। और ईस्टर्न सी पेडिग्री वाइज अच्छा घोड़ा है, जिस जैसे मैं बात कर रहा था ट्रेजर गोल्ड और सी लॉयन की बहन है, और बिल्कुल घोड़ा बोर्ड में बनता है। उसके बाद है 2 नंबर मरून, यहाँ पे पेवरोटी के साथ में नोज से चौथा लगा था, बी हैरिस बैठा हुआ था, एस जॉन बैठ गया, 62.5 किलो में 4.5 किलो की पेनल्टी है, और सबसे बड़ी बात है क्लास 4 से क्लास 5 कर रहे हैं, बिल्कुल घोड़ा बनता है, यहाँ पे फेवरेट ही होना चाहिए। 4 नंबर मार्स नील दारा साजी का केजी लिखी तप्पू, और ये यहाँ पे बिल्कुल विप लॉस हुई थी लास्ट टाइम 250 मीटर में, और यहाँ पे अपसेट कर सकता है, डबल विजन है, प्लेस ट्राई कर सकता है, बेलिसिमो चांस इसका ही बनता है, लास्ट टाइम काफी बैटिंग हुई थी। 9 नंबर एलाइट एजेंट सरप्राइज कर सकता है दोस्तों, और पिक लेके चलूंगा 2 नंबर मरून एस जॉन, और 1 नंबर ईस्टर्न सी जे एच अरुण। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, चौथी रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है, घोड़े बहुत है यार, 1 नंबर डीवो जर्मन ने बहुत बढ़िया रन दिया था, और इस बार ट्रैक भी खुद ही दे रहा है, तो उम्मीद कर देंगे घोड़ा यार जर्मन के नीचे एक बेटर रन दे, और मेड इन से क्लास 4 जा रहा है, बिल्कुल बनता है घोड़ा, काफी क्लियर जीता था 1100 मीटर में 4.5 लेंथों से, और 2 नंबर है यहाँ पे मार्च के बाद अब भाग रहा है, तो बिल्कुल फास्ट पेस के साथ में भागा था, यहाँ पे बेटर रन की उम्मीद कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकता है। 5 नंबर ब्लू बैलर्ट, ये भी केसाई के रन के नीचे लास्ट टाइम फेवरेट था यार ये घोड़ा, दिसंबर में भागा था त्रिप्तिका आगे आगे, और श्रीनाथ ने चलाया था यहाँ पे, सरप्राइज आप देख सकते हैं। 6 नंबर डायनेमिक फोर्स भी नाजिया के साथ में भागा था, ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं, CNB ऑफ कर रहे हैं। 7 नंबर एम्पायर ऑफ ड्रीम, उससे पहला रन अच्छा था यार जब थर्ड लगा था, उसके बाद एस साबाल लास्ट टाइम स्टेलेंटिस, वैसे फील्ड भी टाइट थी यार, यहाँ पे सरप्राइज आप देख सकते हैं। 8 नंबर भी अपसेट के लिए, बट यहाँ पे मेरे को काफी अजीब सी रेस लग रही है, मैं सिंगल ही पिक लेके चलूंगा यार, जो मेरे को लग रहा है कि घोड़ा बोर्ड में रहे यार जीते, 1 नंबर दीवो एस जर्वन। और आ जाते हैं इसके बाद दोस्तों 5वीं रेस में, 10 सर सिल कप है, 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया TS ऑन कर रहे हैं, सरप्राइज कर सकता है लॉन्गर ट्रिप में, आप ये कह सकते हैं 2 रन कोई इतने खास है नहीं यार अगर वैसे देखे जाए तो। उसके बाद है दोस्तों 4 नंबर स्टार कॉन्सेप्ट, TS ऑन कर रहे हैं, सरप्राइज कर सकता है, किरण नायडू के आगे बहुत मतलब एक्सेस वेप करके गुड थर्ड लगा था घोड़ा, फील्ड तो ठीक थी बट 6 घोड़ों में तीसरा लगा था। और उसके बाद है दोस्तों 5 नंबर व्यासा ट्रैक, बहुत बढ़िया जा रहा है यार, और लास्ट टर्न एक तो स्लो निकला था, और CNB ऑन कर रहे हैं, और इस बार ही PS चौहान ट्रैक दे रहा है, और मतलब यहाँ पे राइड भी कर रहा है खुद ही, तो उम्मीद करते हैं, गला आठ के साथ में काफी क्लोज फिनिश था यार, उम्मीद करते हैं चौहान के नीचे एक बेटर रन देखने को मिले, बहुत बढ़िया राइडिंग कर रहा है यार चौहान। और उसके बाद है 8 नंबर फेलिसिया, पेडिग्री वाइज यार मल्टी डायमेंशन याना का बच्चा है, और बिल्कुल बनता है ये घोड़ा, एंटनी राज आ गया है, एक और बड़ा जॉकी काफी ब्रेक के बाद आया है, और ग्रेस 9 नंबर, ये भी अच्छी फिट देखी हुई है कलकत्ता में, बट यहाँ पे क्लास तो देखते हैं यार घोड़े बहुत हैं। 10 नंबर मरियाना पैसी साहब पे भरोसा करके इस घोड़े को यार कंसीडर कर सकते हैं, और ट्रैक ठीक जा रहा है, कृतिस भगत बैठा हुआ है, और चौहान ऑलरेडी डी बैराम जी के घोड़े बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 10 नंबर भी बन रहा है, और 11 नंबर स्नो पिरसर, ये लास्ट टाइम गोल्डन पीक के साथ ही भागा था यार,
ये घोड़ा भी बनता है यहाँ पे, और ट्रैवर बैडी है। तो यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 5 नंबर व्यासा पीएस चौहान, और 10 नंबर मरियाना कृतिस भगत, और तीसरा घोड़ा अगर आप मेरे से कोई कहे तो यार मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ। वैसे अमिता मेहरा जी के 2 घोड़े 8 नंबर और 9 नंबर वैसे ही मेरे को एक जैसे ही दिख रहे हैं, बट ट्रेनें अलग अलग हैं। और उसके बाद 11 नंबर स्नो पेर्सर, ये घोड़ा भी यार काफी लग रहा है कि ड्राइवर के नीचे कर सकता है, बट मैं ये 2 ही पिक लेके चलूंगा। उम्मीद करते हैं इन दोनों में रेस देखने को मिले। और उसके बाद आ जाते हैं छठी रेस में, 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की, और यहाँ पे 1 नंबर सेलेंट, बहुत बढ़िया रन थे यार, ऊटी के सारे फ्रंट रनर है एस सबा बैठा हुआ, अच्छी बात है। 4 किलो का अलाउंस का भी बेनिफिट है, और उम्मीद करते हैं स्टार्ट टू फिनिश जीत जाए घोड़ा। 2 नंबर कैंसिंगटन कोट, ये रामू किसी टाइम पे बहुत बढ़िया राइडिंग करता था यार, अपसेट प्लेस आप कंसिडर कर सकते हैं इसे, पी सिद्धराजू से विप का बेनिफिट होगा। 3 नंबर डेविल मैजिक, घोड़े पे दम है यार, और लास्ट टाइम फेवरेट हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ जब सोचते हैं ना कि घोड़ा यार बोर्ड आउट ही नहीं होगा, और फिर नेक्स्ट सीजन में देखते हैं कि उसका उस दिन आखिरी रन था, उसी दिन वो घोड़ा प्लेस आउट होता है। सेम इसकी भी कहानी यही है, उस दिन सभी यही कह रहे थे कि यार क्लास 2 में थर्ड लगा हुआ घोड़ा है, और क्लास 3 में प्लेस आउट तो होगा ही नहीं, वो भी ट्रेवर के नीचे, बट हुआ। जो भी इंसिडेंट रहे होंगे यार। और उसके बाद 5वां मोंटेलिना अभी भागा है यार, सिस कैरेजियस के साथ में सकलेन बैठा हुआ है, यहाँ पे सरप्राइज ट्राई बोर्ड के लिए कर सकता है। 6 नंबर लॉर्ड बर्नन, ये थोड़ा अजीब है यार, कभी परफॉर्म कर जाता है फिर ड्रॉप कर जाता है, क्लास 4 तक चला जाता है फिर जीत जाता है, फिर अभी दोबारा परफॉर्म करा एटर्नल प्रिंसेस के साथ में, थर्ड लगा हुआ है, काफी फिनिश है, क्लियर है, दोबारा कर सकता है। 7 नंबर डेडिकेट, ये घोड़ा सरसासिल कप में भागता तो और बढ़िया लगता है यार, क्लास 3 में उम्मीद करते हैं बेटर रन दे। और 8 नंबर नाम पढ़ा नहीं जाएगा, हमसे हो नहीं पाएगा, स्कैनफॉग जो भी है, तो आसिफ खान बैठा हुआ है, 5 नंबर का गेट है, बिल्कुल ही यार जिसे कहते हैं कि सिर्फ जॉकी का वेट ही लेके जा रहा है एक तरीके से, सरप्राइज कर सकता है। 11 नंबर स्प्लेंडर ऑन ग्रास भी अपसेट कर सकता है, 200 मीटर शॉर्ट जाना है, राइवल भी अपसेट आप देख सकते हैं, पिक लेके चलूंगा। 3 नंबर डेविल्स मैजिक अक्षय कुमार, और 1 नंबर सेलेंटी एस सबा। आ जाते हैं दोस्तों 7वीं रेस में, 1200 मीटर की रेस है क्लास 4, 1 नंबर साउथर्न फोर्स फेवरेट था माइटी जो के आगे, क्लास 3 जीत चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जॉकी का थोड़ा सा वो लग रहा है कि ट्रेवर के बदले रियान अहमद बैठा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि रियान अहमद बढ़िया जॉकी नहीं है, जिता रखा है फराज अरशद जी का एक घोड़ा इस सीजन, तो बिल्कुल ही घोड़ा और प्लेस भी आया है, अच्छी राइडिंग कर रहा है रियान अहमद, और ये घोड़ा यार बिल्कुल बनता है, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में जरूर रहे, बाकी देखते हैं। और 2 नंबर आर्कवे क्लास डाउन कर रहे हैं, और 55.5 से साढ़े मतलब 62 किलो में जा रहा है, और जॉन जैसा ओवरवेट में चलाने के लिए घोड़े वैसे ही, और क्लोज चौथा लगा एटर्नल प्रिंसेस के साथ में, क्लास 3 से क्लास 4 जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे या जीते। 3 नंबर ओपस वन रिपीट कर सकता है दोस्तों घोड़ा, और उसके बाद है 4 नंबर ट्वाइलाइट टोरेंडो, उम्मीद कर सकते हैं यार घोड़ा बोर्ड में रहे, इनायत मतलब 1600 तक जीता हुआ घोड़ा है, शॉर्टर टाइम में देखते हैं। 5 नंबर फॉर्चुनेटस सरप्राइज बिल्कुल ये कर सकता है यार ये भी, और 7 नंबर डेफिनिंग पावर प्लेस के लिए ट्राई कर सकता है, 1400 बहुत बढ़िया जीता था यार, उसके बाद 1200 शायद डिस्टेंस छोटा पड़ गया उसके लिए, और फिर इस बारी 1200 जाना है। और पिक लेके चलूंगा 3 नंबर ओपस वन एस सकलेन, और 2 नंबर आर्कवे एस जॉन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों बेंगलोर के लिए, इसके बाद मिलते हैं दोबारा संडे की रेसों में, बेंगलोर 18 जून की रेसों में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक के मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय।